हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड डिस्क। फ्रेंड्स, ओप्पो के A5, A3s, A53, A52, A9 2020 और A5 2020 मॉडल में जो है बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। कह रहे भैया जो हमने पासवर्ड डाला है वही नहीं खुल रहा है, मैं करेक्ट पासवर्ड डाल रहा हूँ लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या तो फिर आपका फ़ोन लॉक हो गया है गलती से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको प्रॉपर वे में एक वीडियो बना के देते हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप किसी स्मार्टफोन का पर्टिकुलर मॉडल का वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया आप मेरे को सिर्फ A9 का वीडियो ही बना के दें, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमें कमेंट करें, हम आपको वो वीडियो बना के जरूर देंगे। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो स्मार्टफोन है कुछ इस तरीके से लॉक है। यहाँ पर हम अगर ट्राई करते हैं इसको ओपन करने का, ये ओपन नहीं होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे एक एमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखता है, आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार है जे डबल नाइन और हैज दबाएंगे। सिंपल वे में आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके का मेथड आपको बताने वाले हैं, सिंपल बताने वाले हैं, और आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ इस मेथड में आपको करना है, तो आपको ये चीज़ 100% श्योर हो जाना है। मैनुअल टेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करके पहले चेकआउट करते हैं कि ये खुलता है कि नहीं। बैक करना है, चले जाना है सॉफ्टवेयर वर्जन में। सॉफ्टवेयर वर्जन में आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है ये क्या है, ये देखिए योर एंड्रॉयड वर्जन आपका ये भी देखना है। तो हमारा एंड्रॉयड वर्जन 11 है, आपका एंड्रॉयड वर्जन क्या है ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, एंड्रॉयड वर्जन मिनिमम 10 और 11 होना चाहिए, इस बात की आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जांच करनी है, तभी ये ट्रिक काम करेगा, वरना कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा। बैच वर्जन आपका क्या है, 0.9 से नीचे होना चाहिए, बैच वर्जन 0.9 से नीचे होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको स्किप करते हैं इस ऑप्शन को, और नीचे सबसे नीचे फैक्ट्री वर्जन है, इसको आप टैप कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से इसको कम से कम 10 टाइम टैप कर लीजिए, जिससे हमारा डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाए। बैक करेंगे इसको इस तरीके से, बैक करने के साथ साथ मैनुअल टेस्ट पे जाएंगे और इसको स्क्रॉल कर देंगे। मैं थोड़ा इसको नीचे रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये दिखे, है ना। हाँ अब ठीक है, मैं थोड़ा इसको अपने लैपटॉप को इधर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन सारे ऑप्शन को इस तरीके से आप स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर, इसको ये इस तरीके से क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान रहे ये ऑप्शन में जो डेट है करंट डेट होना चाहिए तभी ये पास माना जाएगा, और ग्रीन कलर में होना चाहिए, रेड कलर में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। बैक करना है, बैक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे की स्टेटस पे क्लिक करना है। की स्टेटस पे देखिए सब पास, सभी ऑप्शन यहाँ पे आपका पास हो चुका है, आपसे कोई भी पासवर्ड पैटर्न पिन नहीं मांगा जाएगा इस मेथड के बाद, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। बैक करेंगे, हम बैक कर लेंगे मेन जो इंजीनियर मोड के पेज में आ गए हैं, और फिर से अगर हम बैक करेंगे तो खुल जाएगा, और बीच वाले बटन को दबाएंगे तो ये देखिए हमारा स्मार्टफोन मैजिकल तरीके से अनलॉक हो गया है। हमसे कोई भी पासवर्ड पैटर्न पिन नहीं मांगा जाएगा इस ऑप्शन में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।